फ्रेंड्स, दोस्तों टार्टार एक प्रकार का प्लाक ही होता है जो हमारे दांतों के गैप्स के बीच में होता है। हालांकि जो भी प्लाक हमारे दांतों पर दिखाई देती है उसका एक रंग होता है। अगर हम किसी प्लाक वाले व्यक्ति को देख ले तो हम उसके दांतों को देखकर पूरे तरीके से और काफी कॉन्फिडेंट होकर ये बोल सकते हैं कि इसके दांतों पर पीलापन है, जबकि टार्टार बिल्कुल उस तरीके का नहीं होता है। ये प्लाक पर दूसरी प्लाक की परत की तरह ही होता है, जिसकी वजह से कई बार मसूड़ों में सूजन की समस्या भी आ जाती है। इसीलिए इस बीमारी से बचने के लिए और इस बीमारी को अपने आप से दूर करने के लिए आपको कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि शुरुआती दौर से ही रोजाना कम से कम 2 बार ब्रश जरूर करिए। ब्रश अच्छे तरीके से करिए, इस तरीके से ब्रश करिए कि आपके दांतों के गैप्स में जितनी भी प्लाक है या फिर जितना भी खाना फंसा हुआ है वो अच्छे तरीके से साफ हो जाए। हमेशा माउथ वॉश का इस्तेमाल जरूर करिए। ऐसा करने से ना केवल दांतों के गैप्स से खाना बाहर निकलता है बल्कि ये सांसों को भी तरोताजा करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। अगर आपके दांतों में पीलापन है तो आप नमक और नींबू का ब्लीचिंग एजेंट बनाकर उससे अपने दांतों पर मसाज कर सकते हैं। ये आपके दांतों से प्लाक को पूरे तरीके से साफ कर देगा। लेकिन अगर आपको टार्टार की प्रॉब्लम हो गई है और ये आपके मसूड़ों में काफी ज्यादा सूजन को पैदा कर रहा है तो आप सरसों के तेल के अंदर लौंग का तेल मिलाकर उसके अंदर चुटकी भर नमक मिलाकर जिस भी दांत के पास के मसूड़े में दर्द हो रहा है वहां पर सर्कुलर मोशन में मसाज करिए। आप चाहे तो केवल लौंग के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से ना केवल आपको टार्टार जैसी प्रॉब्लम से निजात मिलेगी बल्कि आपके मसूड़ों की सूजन भी ठीक हो जाएगी। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।